और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंच गए सिद्धारमैया, शिव कुमार भी उनके साथ हैं। नए मंत्रिमंडल के गठन पर आलाकमान से चर्चा होगी। नए मंत्रिमंडल में कल 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए हैं और साथ में डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले हाईकमान से मुलाकात होगी, 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अब मंत्रियों के नाम को लेकर भी हो सकता है कि यहां पर एक बार फिर सस्पेंस देखने को मिले। हालांकि बहुत सारे नामों की घोषणा हो चुकी है, सूत्रों के मुताबिक 23 मंत्री सिद्धारमैया के कैबिनेट में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार होंगे। कई दिनों से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो सस्पेंस खत्म हुआ था। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके कैबिनेट में, उनकी टीम में कौन कौन लोग होंगे, इसी मंथन को लेकर सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सिद्धारमैया का दिल्ली आना काफी अहम है। इसके कई मायने हैं। मायने ये हैं कि अब सिद्धारमैया आलाकमान से मिलने जा रहे हैं, कैबिनेट में किस किस को जगह दी जाएगी इसको लेकर मंथन किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि डी के शिव कुमार इस मामले में भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि देखना यह है कि जो 23 मंत्री सिद्धारमैया के कैबिनेट में होंगे वो सिद्धारमैया के ग्रुप से ज़्यादा होंगे या डी के शिव कुमार की चॉइस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको लेकर भी अभी काफ़ी पसोपेश बना हुआ है। हालांकि कुछ नाम सामने आए थे बीती रात कि इन लोगों को कैबिनेट में जगह दी जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी चर्चा चल रही है, मंथन का दौर चल रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे हैं, उनके साथ डी के शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मकसद यही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है उसको फाइनल किया जाए। कर्नाटक की सियासत में हर दिन नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल बड़ा फैसला आया था, जो सबसे बड़ा सस्पेंस था कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो सस्पेंस खत्म हो गया था। कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार होंगे। और जो नाम चर्चा में सामने आ रहे हैं, संभावित हैं, वो हम टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग मंत्री हो सकते हैं। बी के हरिप्रसाद, दिनेश गुड्डू, डॉक्टर जी परमेश्वर, एम बी पाटिल, के जे जॉर्ज, प्रियांक खरगे, बी आर रेड्डी और रूपा शशिधर, ईश्वर खंड्रे, जमीर अहमद, तनवीर सैथ, लक्ष्मण सावधी, कृष्ण बायरेगौड़ा, सलीम अहमद, अजीत सिंह, एसपी पाटिल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे हम आपके सामने नाम भी दिखा रहे हैं जो संभावित मंत्री हैं, संतोष लाड, रामलिंगा रेड्डी और अजय सिंह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।